आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहार रक्षाबंधन, मुहर्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी आदि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्वक मनाए जाने के संबंध में राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी समाजजनों से विनम्र अपील की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने लोगों से अपील की कि आगामी त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। इस संबंध में एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि शासन स्तर के निर्देशों एवं गाइडलाइन के तहत पर्वों को मनाएं और आपसी भाईचारा सद्भाव का विशेष ध्यान रखते हुए उत्सव मनाएं। सभी त्योहार एकता की मिसाल होते हैं। हमारे द्वारा जो 15 जुलाई से अभी तक दस्तयाबी के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें हमें अपेक्षा से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जिले में मुहर्रम ऑब्जर्व किया जाएगा तथा जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के त्यौहार मनाए जाएंगे। मैं सभी जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आगामी त्योहारों में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों को मनाएं और अपने को और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें। आने वाले त्योहारों के लिए आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नियमों का पालन करते रहें, साथ ही सभी त्यौहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। हमारे आपस में सभी त्यौहार एकता की मिसाल होते हैं, उसी तरह से सभी त्यौहारों का हम लोग मनाएं। हमारे द्वारा जो पिछले 15 जुलाई से अभी तक दस्तयाबी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था बच्चों की दस्तयाबी के लिए, उसमें हमें अपेक्षा से बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। 75 हमारे यहाँ कुल ऐसे बच्चे थे जो अभी मिसिंग थे कई सालों से, 2013 से लेकर अभी तक, उसमें से 34 बच्चों को हम लोगों ने दस्तयाब कर लिया है। 41 अभी भी शेष हैं और इस सफलता और लोगों की मेहनत को देखते हुए हमने इस अभियान को 30 अगस्त तक बढ़ाने का भी फैसला लिया है। साथ ही त्योहारों को देखते हुए अभी हम लोग वापस से सघन वाहन चेकिंग फिर से चालू करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोडिंग वाहन है उसमें ट्रैवल ना करें और जितनी सवारी की क्षमता हो उतनी ही क्षमता के अनुसार ट्रैवल करें, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि इन त्योहारों को देखते हुए ना हो। आप सभी अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे और परिवार के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं। साथ ही एसपी ने कहा कि त्योहारों पर सुरक्षा को देखते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू करेंगे। राजगढ़ से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।